भारत सरकार ने 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के, 10 रुपए के और 20 रुपए के सिक्के बाजार में उतारने जा रही है। टैक्सहिल.com के YouTube चैनल पर मैं सीएस सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। इसके लिए भारत सरकार ने गजट में नोटिफिकेशन जारी कर दी है, यानी कि 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपये के सिक्के के लिए नए नियम 2019 नोटिफाई किए गए हैं। ये सिक्के किस प्रकार के होंगे, इनका डिज़ाइन क्या होगा, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1 रुपये के सिक्के के लिए सामने अशोक स्तंभ होगा और उसके साथ ही नीचे सत्यमेव जयते लिखा होगा। बाईं तरफ हिंदी में भारत शब्द लिखा होगा और दाईं तरफ अंग्रेजी में इंडिया शब्द लिखा होगा। 1 रुपये के सिक्के के जो पिछली साइड होगी उसके पीछे 1 रुपया लिखा होगा। इसके अलावा कृषि प्रधानता को दर्शाने के लिए अनाज का डिज़ाइन भी होगा। ऊपर दाईं और निचली दाईं तरफ हिंदी में 1 रुपया और अंग्रेजी में 1 रुपये लिखा होगा। सिक्के की बाईं तरफ मध्य में सिक्के की ढलाई का वर्ष लिखा होगा अंतर्राष्ट्रीय अंकों में। इस प्रकार जो पुराना डिज़ाइन है 1 रुपये का बैक साइड का, इसे सरकार चेंज करने जा रही है। 2 रुपये के सिक्के पे अशोक स्तंभ होगा और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होगा। बाईं तरफ हिंदी में भारत शब्द लिखा होगा और दाईं तरफ अंग्रेजी में इंडिया शब्द लिखा होगा। 2 रुपये के पीछे का जो भाग होगा उसके पीछे 2 अंकों में लिखा होगा और कृषि प्रधानता को दर्शाने के लिए अनाज का डिज़ाइन होगा। ऊपर दाईं और निचली दाईं तरफ 2 रुपये लिखा होगा, अंग्रेजी में भी 2 रुपीज़ लिखा होगा। इसके अलावा सिक्के की बाईं तरफ मध्य में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष वर्ष लिखा होगा अंतर्राष्ट्रीय अंकों में। अब चलते हैं 5 रुपये का सिक्का, इसका डिज़ाइन क्या होगा। 5 रुपये के सिक्के के ऊपर भी अशोक स्तंभ होगा, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होगा, बाईं तरफ हिंदी में भारत और दाईं तरफ इंडिया शब्द लिखा होगा। 5 रुपये के सिक्के के पीछे 5 लिखा होगा और कृषि प्रधानता को दर्शाने के लिए अनाज का डिज़ाइन होगा। ऊपर दाईं और निचली दाईं तरफ हिंदी में 5 रुपये लिखा होगा और अंग्रेजी में 5 रुपये लिखा होगा। सिक्के की बाईं तरफ मध्य में जो है सिक्के की ढलाई का वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अंकों में दर्शाया गया होगा। 10 रुपये के सिक्के का डिज़ाइन क्या होगा। 10 रुपये के सिक्के पर भी अशोक स्तंभ होगा, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होगा, बाईं तरफ हिंदी में भारत शब्द लिखा होगा और दाईं तरफ अंग्रेजी में इंडिया शब्द लिखा होगा। सिक्के के जो मुख्य का जो पिछला भाग होगा उसमें 10 लिखा होगा और कृषि प्रधानता को दर्शाने के लिए अनाज का डिज़ाइन भी होगा। बाईं तरफ हिंदी में 10 रुपया लिखा होगा और अंग्रेजी में 10 रुपीज़ लिखा होगा। इसके अलावा सिक्के के मध्य में नीचे सिक्के की ढलाई का वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अंकों में लिखा होगा। 20 रुपये के सिक्के पे क्या होगा। 20 रुपये के सिक्के पे भी अशोक स्तंभ होगा, जो फर्स्ट पोर्शन होगा आगे का भाग, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होगा, हिंदी में बाईं तरफ भारत शब्द लिखा होगा और दाईं तरफ अंग्रेजी में इंडिया शब्द लिखा होगा। 20 रुपये के सिक्के का जो पिछला भाग होगा उसमें अंतर्राष्ट्रीय अंकों में 20 लिखा होगा। इसके अलावा कृषि प्रधानता को दर्शाने वाला अनाज का डिज़ाइन होगा। ऊपर दाईं तरफ हिंदी में 20 रुपये और अंग्रेजी में 20 रुपीज़ लिखा होगा। इसके अलावा सिक्के की बाईं परिधि में सिक्के की ढलाई का वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अंकों में दर्शाया गया होगा। इसके अलावा सिक्कों का वजन कितना होगा और उनके मानक क्या होंगे उसे भी आप यहाँ पे रेफ़र कर सकते हैं। जैसे कि 1 रुपये के सिक्के का वजन 3.09 ग्राम होगा, 2 रुपये के सिक्के का वजन 4.7 ग्राम होगा, 5 रुपये के सिक्के का वजन 6.74 ग्राम होगा, 10 रुपये के सिक्के का वजन 7.74 ग्राम होगा और 20 रुपये के सिक्के का वजन 8.53 ग्राम होगा। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए लिंक इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आज की फाइनेंस न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में कृपया लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं।